आप सभी को मेरा प्रणाम है। देखिए योग दिवस 21 जून को जो कि आज है हम सब मनाते हैं। ये 21 जून एक प्रेरणा का माध्यम बन जाता है। तो आज हम हैं यहाँ पर राममूर्ति अस्पताल में और यहाँ के संचालक हैं बैद जी जो योग के बारे में आगे बताएंगे। श्वास बाहर करते हुए एक साइड को झुकें, श्वास बाहर करते हुए एक साइड को, धीरे से वापस, फिर से दूसरी साइड अपोजिट, श्वास भरें पहले, श्वास छोड़ते हुए अर्धचंद्रासन बोलते हैं इसको, अर्धचंद्रासन। थोड़ा पैरों को चलाएं धीरे धीरे, वार्म अप के लिए तैयार हो जाएं। नियुक के साथ बिल्कुल मेरे साथ जंप करें, वेरी गुड, सुंदर अभ्यास। आगे झुके, आगे झुके, पीछे, वृक्षासन, दूसरे पैर से त्रिकोण आसन, जितने पैर को टच करें हम नीचे जाएंगे, त्रिकोण आसन, वज्रासन में सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ऊपर, श्वास अंदर भरें, ऊपर की तरफ खींचे आसमान की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। विश्राम, दोनों पैर बटरफ्लाई में लाएं, बटरफ्लाई बनाएं, दोनों पैर जोड़ें और लगा लें सामने, बटरफ्लाई जिस तरह से तितली उड़ती है उसी तरह से पैरों को हिलाना है। बटरफ्लाई करते करते श्वास को भरें, पद्मासन ले लें, देखें कौन कौन करता है पद्मासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, धीरे से खोल लो और पैर आगे की तरफ खोल लो। अब पैरों का मसाज, मसाज, पैर गोल गोल एक साइड को घुमाएं, अपोजिट, अपोजिट, सुखासन में आ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की तरफ खुली हुई, और लंबी गहरी श्वास के साथ श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे श्वास। वस्त्रिका, वस्त्रिका प्राणायाम श्वास का प्राणायाम। तो श्वास भरें, पूरी भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम कराते हैं पेट के बल लेटने का अभ्यास। एक बार पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं,
ये कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, कमर के लिए। जैसे हमारे कमर में दर्द होता है तो उसमें कभी कमर में दर्द नहीं होगा इसको करेंगे तो। इस तरीके से दोनों हाथ रख लें और श्वास भरते हुए एक एक पैर से, दोनों पैर एक साथ। हाँ, अगला अभ्यास ये भी कमर के लिए, दोनों हाथ सीने के सामने रखें फैले हुए सीने के सामने और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ। पैरों को सीधा सीधा करके रखें, पैर बिल्कुल आगे की तरफ इस तरीके से तान के, धीरे से वापस। कमर में दर्द तो है नहीं किसी के। अगला कमर का भी ये भी अभ्यास है, साथ साथ शरीर की स्ट्रेचिंग भी है, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग घुटनों जोड़ों में, उसके लिए भी और कमर के लिए तो है ही। श्वास भरते हुए थाइस को उठाएं, पूरा गोल बनाएं बिल्कुल धनुष के आकार, धनुरासन। वेरी गुड, धनुरासन, सुंदर। ये धनुरासन है, इससे पहले भुजंगासन था। अब पूर्ण हलासन करेंगे हम, पूर्ण हलासन। 90 डिग्री पर लाएं पहले, 90 डिग्री पर रखें पैर, सर्वांग पोज, आसमान की तरफ पंजे और शरीर खड़े ऊपर की तरफ, और इसी में से हलासन, पूर्ण हलासन। अब हम वो आसन करेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, जो आसानी से किया जा सकते हैं और शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार आसन से। सब खड़े हो जाएं, सभी लोग सबसे पहले हाथ जोड़ लेंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम आगे की तरफ झुकेंगे तो श्वास बाहर होगी और जब भी हम पीछे की तरफ झुकेंगे तो श्वास अंदर होगी। ये एक ऐसा आसन है जिसमें आपको 12 आसन एक ही में मिल जाएंगे। जैसे शुरुआत करते हैं सांस भरते हुए ऊपर, पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, बाया पैर पिछले गए, दाया भी। मुझे देखते रहो जैसे मैं हूं, मैंने साइड पोज बना लिया, मेरी तरफ नजर करो। अब सांस छोड़ते हुए नीचे, आठ अंग शरीर के, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए फिर बाएं पैर को आगे लाएं, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, अपनी गर्दन ले जाएं, सर ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। आप इसे दिन में 2-4 बार जरूर करें, 5-6 बार भी कर सकते हैं, 8-10 बार भी कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता। फिर अब हम दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं, दायां पैर पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में आ जाएं, एरिया जमीन पर, सांस भर के और अब सांस छोड़ दें, फिर सांस भरते हुए ऊपर भुजंगासन की तरह, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए बायां पैर आगे लाएं, एक बार दूसरा, एक बार दूसरा, और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे दिखाओ, सबके नीचे दिखाओ, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं अपनी उस स्थिति में। बैठ जाएंगे, मंडूकासन करेंगे,
इस आसन से आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो ग्लैंड निष्क्रिय हो चुकी होती है उसको भी ये आसन सक्रिय करता है, क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें एक साथ नहीं होती, लेकिन धीरे 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 जब आप करते रहेंगे तो ये लाभ पहुँचाना शुरू करती हैं, और डायबिटीज जैसे रोगों में ये काफ़ी लाभ पहुँचाता है। एक हथेली, अपनी बाईं हथेली टूड़ी के टूड़ी को बीचा बीच में लेके उसके ऊपर रखें, सीधा हाथ उसके ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरी सांस बाहर कर दें। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। 20-30 सेकंड इसमें आप रुकें, आधा मिनट करीब आप उसमें रुकें, बाकी 15 सेकंड भी रुक सकते हैं अगर नहीं रुका जाता तो। अब इस तरह से मुट्ठी बांध लें और टूड़ी को बीचा बीच में ले लें, फिर सांस भरें पहले एक बार। अब सांस लेते हुए सर को नीचे लगा दें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और वापस आ जाएं, बैठ जाएं, पैरों को आगे कर लें, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से पंजों को पकड़ें। गर्दन घुटनों से लगाने का प्रयास करें। फिर सांस भरते हुए पीछे आए, फिर सांस छोड़ते हुए इसी तरह से करें। चार पांच बार आप इसे कर सकते हैं, बाकी आपकी क्षमता के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। वापस आ जाएं। अब एक पैर ले लें, एक पैर को सीधा, अभी मैं सीधा पैर उठाता हूं और उसको इस तरह से रख लें, और जो सीधे हाथ है बिल्कुल रख लो जमीन पर, सीधे हाथ को इस तरह से कर लें, रख लें, और बायां हाथ सीधे पैर के इधर से निकालें और बाएं पैर को इस तरह से पकड़ें। पकड़ो, और पकड़ो, गर्दन ये, को तू सही नहीं कर रहा है, देख सीधे हाथ की तरफ ले जाएं, ये वापस आ जाएं। ये भी आपका डायबिटीज में काफी लाभ करता है, वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी इसी तरह करेंगे। अब लेट जाएं, चलो विश्राम। एक पैर को ऐसा रखें, सीधे पैर को ऊपर उठा लें, कुछ देर इस स्थिति में रुकें, 90 डिग्री पर रोकें पैर को, 90 डिग्री पर पैर रोकें। अब दूसरे पैर से, दूसरे को भी इस तरह से ले जाएं, बस ज्यादा मत खराब नहीं, ये लोग फिर बोर हो जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे करते हैं, वापस आ जाएं। आधे मिनट सवासन कर लेते हैं। आसनों के बीच बीच में हमें सवासन करते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर वापस रिलैक्स में आ जाए। आधा मिनट सवासन कर लें, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे, जीभ को मोड़ लें और इसे फिर श्वास भरेंगे, गोल गोल बना लें, इसी में होंगे श्वास लेंगे, ये गर्मी में काफी अच्छा रहता है। और अंदर भर के फिर नाक द्वारा कुछ सेकंड रोकें, एक बार फिर से ऐसे, चलिए अब हास्यासन कर लेते हैं। और जोर से, अरे हंसी रोकनी नहीं है पूरे, पहले झूठी हंसी होगी लेकिन बाद में अंदर से सच्ची आने लगेगी। हाँ
माइक ले जा उसका, फिर अजी को रोक रहा है। यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए ऐसे की ठाके के साथ। अरे ये हंसी नहीं आ रही है, इसके साथ लोट को लोट। अब हम प्राणायाम करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन दो प्राणायाम काफी ही कमाल के हैं। अरे रुक जा भाई, अनुलोम विलोम और कपालभाति। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में एक हाथ से अपनी एक नथुने को बंद करना होता है, दूसरे से सांस लेना होता है, फिर कुछ सेकंड रोकना होता है और फिर वापस निकाल देना होता है। ऐसे समझें कि 5 सेकंड में सांस लेनी है आपको, कुछ सेकंड रोकनी है। चाहे आप 5 सेकंड रोक सकते हैं या थोड़ी ज़्यादा भी रोक सकते हैं, और फिर 5 सेकंड में ही निकाल देनी है। ये मुद्रा बनाएं बाएं हाथ से, चिन मुद्रा में, ये हाँ चिन मुद्रा इस तरीके से बाएं हाथ इस पे, और दाहिने हाथ के अंगूठे से ये दाहिने तरफ का नथुना बंद करें और बाएं से श्वास को भरें। ये काफ़ी कमाल का प्राणायाम है, ये दोनों ही प्राणायाम बड़े ही कमाल के हैं। अगर आप इसे 15-15 मिनट करें रोके तो आप देखेंगे बहुत बदलाव होगा। और इधर से बंद करके इधर से निकालें पूरी श्वास बाहर, और फिर उसी से भरेंगे वापस। इधर रोके फिर इधर से निकालें। अब इसी को वापस भरें, फिर ऐसे जैसे कि सबसे पहले हम बाएं हाथ से बाएं साइड की नथुने से लें सांस लगभग 5 सेकंड में, फिर रोकें कुछ सेकंड, फिर सीधे हाथ की तरफ वाले नथुने से निकाल दें 5 सेकंड में सांस को। तो एक बार लंबी गहरी सांस भरें पहले, एक बार और लंबी गहरी सांस भरें, अब श्वास मेरी तरफ देख लें कैसे श्वास छोड़ेंगे। पूरा आवाज निकाल के जितने जम्प हो सके। विश्राम। एक महत्वपूर्ण बात, आप आसन प्राणायाम डेली करें, कुछ भी ना कर सकें, अगर दो चीजें पूछें तो अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सबसे कमाल के प्राणायाम हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, आपके तन मन दोनों को स्वस्थ करते हैं, इसलिए आप आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालें। श्वास अंदर भर के पूरा स्ट्रेच करें जी, स्ट्रेच पूरी शरीर की स्ट्रेचिंग, पूरा शरीर स्वस्थ एक बार में ही खुल जाएगा। नटराज आसन, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेंगे और 5 सेकंड में सांस लेंगे और 5 सेकंड में छोड़ेंगे। आंखें बंद कर लें और ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर होगा। ध्यान एक ये ध्यान है छोटा सा, श्वास लेनी है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ही निकालनी है सहजता के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ ये आपको करना है।